आज से 7 अगस्त तक राजस्व दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते सप्ताह भर में विभिन्न कार्यक्रम लिए जाने वाले हैं, जिसके विषय में जानकारी दी विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने। आयोजित पत्र परिषद में विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने जानकारी दी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राजस्व दिवस मनाया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत 1 अगस्त को प्रशासकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का सम्मान कर प्रमाण पत्र दिए जाने वाले हैं। वहीं पूरे सप्ताह में युवा संवाद, एक हाथ मददीचा, जनसंवाद, सैनिक हो तुमच्या साठी आदि कार्यक्रमों द्वारा पूरे 7 दिनों में राजस्व दिन मनाया जाने वाला है। 7 दिन का होने वाला है महसूल सप्ताह। तो आज सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय पण इनॉग्रेट करणार आहे पुणे मध्ये महसूल दिनाचा जो प्रोग्राम है। तो ये पूरा हफ्ते में जो 1 से 7 अगस्त तक हमने जो अलग अलग कार्यक्रम लिया है, इसमें हमारे जो उत्कृष्ट कर्मचारी है, जो तलाटी है, कोतवाल है, पुलिस पाटिल है, और जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, सबका उनका भी सम्मान होगा। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं पिछले 1 साल में उनका भी होगा। इसके अलावा जो दो जो विशिष्ट, या मैं बोलूँगी 3 विशिष्ट कार्यक्रम हैं जो उसमें है। 5 अगस्त को हमने रखा है सैनिक है हो तुमच्या साठी करके जो प्रोग्राम है, उसमें हमने जो पूर्ण विभागामध्ये जे कलेक्टर्स आहे, तहसीलदार आहे, सब डिविजन ऑफिसर्स आहे आणि विभागीय आयुक्त स्वतः, सगळे लोक 5 ऑगस्टला यानी शनिवारी 10:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत यानी 3 तास सगळ्यांनी माजी सैनिकांची, सैनिकांची वीर माता यांची आणि वीर पत्नी यांची, जे काही कुटुंब आहे, सैनिकांचे कुटुंब आहे, त्यांची जो संबंधित जो उनके इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, दाखले के बारे में हो सकता है, महसूल विभाग के बारे में हो सकता है, जो कोई उनका प्रश्न रहेगा, जिला सैनिक अधिकारी के मदद से उनका कोऑर्डिनेशन करके स्पेशल ड्राइव लिया जाएगा 5 अगस्त को। वो 3 घंटे का टाइम त्यासाठी निश्चित करण्यासाठी आम्ही विभागाच्या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे 10:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत 5 अगस्तला। NBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ मनीष टेम्भरे की रिपोर्ट।